नमस्कार, आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज सोलापुर शहर में लोकशाही अन्नाबाऊ साटे योजना के तहत AIMIM के नगर सेवक गाजी जागीरदार ने अपने निधि से अंबेडकर नगर शिक्षक सोसाइटी में 45 लाख रुपए डामरी रोड का AIMIM के शहर अध्यक्ष फारूक शाब्दी के हाथों उद्घाटन समारोह किया गया। देखिए आज़ादी बचाओ की एक रिपोर्ट। प्रभाग 16 में ये जो लोकशाहीर अन्नाभाऊ साटे योजना अंतर्गत ये रोड का जो डामरीकरण का काम था, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है, इसका पार्ट पूरा हुआ। हमारे MIM पार्टी के स्वीकृत नगर सेवक गाजी जागीरदार, जिन्होंने 14 जुलाई 2019 में ही ये पत्र देकर इसकी मांग किए थे, और इसके साथ में RPI पार्टी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस काम को आगे बढ़ाने में। तो आज खुशी की बात यह है कि इस काम के लिए जो निधि उपलब्ध होनी थी वो उपलब्ध हो चुकी है, और इस काम का आज भूमि पूजन हुआ है। तो मैं यहाँ के तमाम अंबेडकर नगर के तमाम वासियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शिक्षक सोसाइटी के, और हमारे नगर सेवक गाजी जागीरदार की बहुत मैं इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे, और ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसे ही काम करते रहे जिससे लोगों का भला होता रहे। इस मौके पर उपस्थित हमारे जो भी तमाम यहाँ के नागरिक हैं, और हमारे ये सर राजाभाव के चिरंजीव सुशील, मेरे छोटे भाई सर्वदे यहाँ पर मौजूद है, हमारे साई निकुंबे ये हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर हमेशा चलते हैं हमारे साथ, ये भी यहाँ पर मौजूद है, और आए हुए तमाम जो भी मेहमान हैं, हमारे गट नेता रियाज खरादी साहब, वो उनकी भी काफ़ी मेहनत है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि MIM पार्टी और RPI पार्टी ऐसे ही मिल के ये दलित मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है एक करके आने वाले 2022 का जो इलेक्शन में है उसमें यहाँ से कुछ ना कुछ चमत्कार करके यहाँ से हमारी सीटें निकालेंगे, ऐसी आशा करता हूँ, और लोगों का अच्छा बेहतरी का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज़ादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।